Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। छात्रों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन छात्राओं ने किया है। लड़कियों ने 94.25% जबकि लड़कों ने 92.72% सफलता हासिल की है। वहीं टोटल ग्राफ की अगर बात करें तो 93.12% विद्यार्थी पास हुए हैं। सीबीएसई ने तय किया है कि इस साल के रिजल्ट के साथ प्रथम, द्वितीय व तृतीय डिवीजन की जानकारी नहीं दी जाएगी। आपसी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए इस साल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। शुक्रवार को जैसे ही परीक्षाफल घोषित हुआ, सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों में रिजल्ट देखने की उत्सुकता जाग गई। यूं तो रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे गए, बावजूद इसके बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने विद्यालयों में पहुंच गए। आज फर्स्ट बाइट टीवी की टीम ने दीवान पब्लिक स्कूल का जायजा लिया, जहां सभी छात्र छात्राओं ने खुशी का इजहार किया। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दीवान पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप सभी को पता है, 12th और 10th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 12th पास करने वाले वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से 12th को पास किया है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैम ईशु भारद्वाज। ईशु, आपने कौन से साइड से 12th पास? ह्यूमैनिटीज। 92। आप क्लास में फर्स्ट हैं? नहीं नहीं, अभी क्लास वाइज रिजल्ट नहीं निकले हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। विधि तेवतिया। विधि, कौन से साइड से थी? ह्यूमैनिटीज। आप भी ह्यूमैनिटीज। और 12th कितने परसेंट है? 94%। 94, ओके। कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी। पहले से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको? यस। नाम बताइए। दुर्गेश। दुर्गेश, कौन से साइड से? ह्यूमैनिटीज। सब ह्यूमैनिटीज है? हां, सब यहां ह्यूमैनिटीज के ही हैं। अच्छा, कितने परसेंट है? मेरी 80 है। 80, और आपकी? 80.5। अच्छा, आपने जो इतने अच्छे नंबर गॉट किए हैं, तो इसका जो श्रेय है आप अपने टीचर्स को किस तरह देना चाहेंगे? मैम मैं कितने तो परसेंट उनका रोल रहा इसमें? मैम पूरा रोल तो हमारी टीचर्स का ही रहा है, बट थोड़ा मोर पढ़ लेते और अच्छी आ जाती। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, आपने ट्यूशन वगैरह भी लिया अलग से या फिर? हाँ, एक ट्यूशन एक सब्जेक्ट का लिया था मैंने, इकोनॉमिक्स का। आपने? नहीं, होम स्टडीज। आप बताइए। लक्ष्य अग्रवाल। लक्ष्य, आपके कितने परसेंट आए? 92। 92, कौन से साइड से? PCM। PCM, मैथ्स, okay. जी, ट्यूशन लिया आपने मैथ्स का? जी, कोचिंग ली थी मैंने। आप बताइए। मैम यस मैम, आपको मैम मेरा नाम अर्णव अरोड़ा। यस मैम। PCB। यस मैम। यस मैम, मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोचिंग लिया था PL शर्मा रोड पर। बायो की बायो की सेल्फ स्टडी करा था। आपको बायो पसंद है? यस मैम। यस मैम, ऑब्वियसली फॉर MBBS। यस मैम। अब मिलते हैं सलोनी से, जो कि दीवान पब्लिक स्कूल की ही स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने 96% यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं। सलोनी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पहले से पता था कि आप इतने नंबर प्राप्त कर पाएंगी और सबसे हाईएस्ट जाएंगी आप, जिस तरह से आपने मेहनत की थी? एक्सपेक्टेड था इतना रिजल्ट, बट मेहनत के बाद रिजल्ट अच्छा, इतना नहीं था कि एक्सपेक्ट, बट मेहनत के बाद अच्छा। हाईएस्ट आप जाएंगी? मेरे से भी हाईएस्ट आए, मेरे फ्रेंड्स का भी। एक्चुअली रिजल्ट इतना पूरा आउट नहीं, बट अभी तक तो है, इससे अच्छा लग रहा है। कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे क्या करना चाहेंगे आप? मैं BLLB करना चाहती हूँ और जुडिशरी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ह्यूमैनिटीज से हैं आप? जी। और आप? हर्षिता। 95%। PCM। आपसे भी ज़्यादा ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या करना चाहेंगे आगे? BTEC। BTEC। हाँ जी। और आपकी जो ये खुशी है, इतने सारे नंबर आपने मैथ से, मैथ जो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हार्ड मैथ को ही माना जाता है, तो आपने मैथ में 95% नंबर प्राप्त किए हैं, सो आप अपनी इस खुशी को किस तरह दर्शाना चाहेंगे? नहीं, बस मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी मेहनत से, अपने नंबर से। जैसे मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से मतलब आया नंबर, सो आई एम सेटिस्फाइड। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? फुली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। नंबरों से पास हुए हैं, इतनी परसेंटेज इनको मिली है, ह्यूमैनिटीज भी, बायो भी और सभी सब्जेक्ट में इन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। ये जिंदगी का जो एक अच्छा पल होता है, उसमें से एक आज का पल ये है। बहुत अच्छा लगता है जब बोर्ड रिजल्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, मिलते हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता लाइफ में हम लोगों के लिए। अच्छा,
अच्छा, आपको पहले से उम्मीद थी कि आपका जो स्टूडेंट्स है आपके अपना ऊपर जाएगा? हाँ, हमें उम्मीद है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे लास्ट ईयर से इस साल देखा जाए तो पहले का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था या इस बार? वो जो कोविड ईयर्स था वहाँ रिजल्ट बहुत ज़्यादा आप हुआ था, तो उससे तो कम हुआ ही है और होगा भी है, इट इज़ नेचुरल। हाँ, कोविड से पहले उससे उसी टाइप का ही है, बल्कि थोड़ा सा कम है। रीज़न बिहाइंड अभी MCQ एक नया टाइप का है ना, पैटर्न आया है, उसका वजह से बच्चे बहुत सफ़र किया है। मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होना चाहिए, समझने में आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। सो फुल मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स कम होते जा रहा है। स्टडीज़ इन लोगों को बहुत अच्छे से करने पड़ेगा आने वाले जनरेशन को। अच्छा,